Good morning, students. How are you? Today's chapter 10, Hello Alken and Hello Erin. Okay. आगे के सेशन में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर के ऊपर हमारा थीसेशन हो गया. ओके, तो मोस्ट ऑफ हमारा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया है. ओके, तो नाउ टुडे वी आर सेइंग नेचर ऑफ CX बॉन्ड. राइट, सो वी नो दैट C फॉर कार्बन एंड X फॉर हेलोजन. राइट, सो C और X का जो नेचर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, डाइपोल मोमेंट आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता है, राइट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आता है, सब कुछ इसमें आता है. वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे आज. राइट, सो हमको मालूम है कि हेलोजन, ये हम सबको पता है हेलोजन के लिए क्या है. वो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मालूम है ना हमको, वो 17th ग्रुप का है हेलोजन, FClBri. जो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा है किससे? कार्बन से. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे कहीं ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? हेलोजन ग्रुप की. राइट, ये हम सबको मालूम है. तो आप सबको अभी एक क्वेश्चन होगा, सर ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला दोनों की, यानी कि कार्बन की कम है, हेलोजन ग्रुप की ज्यादा है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? राइट, आप सबको होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन होता है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. इट मींस अगर हमारे पास यहां पे सी एक्स बॉन्ड है, आप देख सकते हैं सी एक्स. राइट, यहां पे X, ये हमको मालूम है 17th ग्रुप हेलोजन. राइट, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? FCl मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. राइट, तो ये सारे के सारे क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये सारे के सारे क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. राइट, और अगर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ग्रुप की, तो सी बॉन्ड एक्स. राइट, तो यहां पे एक्स क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमने देखा, पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है एक्स. तो सारे के सारे जो ये बॉन्ड में हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से? हेलोजन की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. राइट, तो इसी की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाता है बच्चों? पोलर बॉन्ड हो जाता है. क्या बॉन्ड? कैसा बॉन्ड हो जाता है? पोलर बॉन्ड हो जाता है. और ये पोलर बॉन्ड की वजह से इसमें क्या जनरेट होता है? डाइपोल मोमेंट. क्या हो जाता है? डाइपोल जनरेट हो जाता है. ये आपको नोट्स करते रहना है. अभी पोलर हो जाता है क्यों? क्योंकि ये एक्स क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो? ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? हेलोजन की तरफ. राइट, सो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर. पोलर की वजह से ये जो बॉन्ड है वो कैसा होता है? डाइपोल. डाइपोल मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो ये जो नेगेटिव है तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसके ऊपर? हेलोजन के ऊपर. और जो कार्बन है, ये कार्बन पे ऊपर क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज ऑफ पोलर और डाइपोल. राइट, क्लियर? आगे बढ़ते हैं. बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड, ये डाइपोल हुआ बराबर प्लस और माइनस, ये किसकी वजह से हुआ? पोलर बॉन्ड. आप देख सकते हैं, अभी आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं. राइट, अभी हम देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. नया टॉपिक है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ, यहां पे हमको सी एक्स की बॉन्ड लेंथ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. बहुत इजी है, आप देख सकते हैं यहां पे सी एक्स, यानी कि हम यहां पे एफ ले लेते हैं, फ्लोरीन. ओके, तो
हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है तो कार्बन को यहाँ पे कार्बन सिम रहेगा, यहाँ पे मालूम है 17 ग्रुप एफ सी एल बी आर आई राइट। यहाँ पे क्या चेंज होगा, ओनली एक्स। ओके कार्बन क्या क्या कैसा रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फ्लोरिन मीन हेलोजन ग्रुप चेंज हो गया एफ सी एल बी आर आई। तो ये आपको ध्यान से देखना है कैसा कैसा चेंज होता है। ओके बहुत इजी है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इसमें कार्बन है, मान लो एक हम एक साइज फिक्स करते हैं कार्बन की राइट। और नेक्स्ट जो फ्लोरिन है, यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो क्या होता है ओवरलैप होता है एक दूसरे पे। तो फ्लोरिन का साइज हमको मालूम है वो बहुत छोटा होता है राइट। तो ये हमारा हुआ फ्लोरिन राइट। तो ये जो हमारा बॉन्ड लेंथ कैसे हम डिफाइन करते हैं राइट। तो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर जो है डिस्टेंस, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके वर्ड आपको क्या लगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस राइट। ये हो गया हमारा सी एफ बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सी सी एल राइट। यहाँ पे जो कार्बन है उसकी साइज तो सेम रहेगी राइट। और सी एल का क्या होगा, एफ से एक ऑर्बिटल एड होगा तो साइज उसकी बड़ी हो जाएगी एफ से। आप देख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका कम है, इसका डिस्टेंस क्या होगा एफ से ज्यादा। नेक्स्ट सी एफ सी एल बी आर, नेक्स्ट बी आर के बारे, कार्बन का तो जितना साइज है उतना ही रहेगा, बी आर का क्या होगा साइज क्लोरीन से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा उनसे भी ज्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन राइट। तो कार्बन का तो साइज जितना है उतना ही रहेगा और आयोडीन का क्या होगा साइज ब्रोमीन से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ब्रोमीन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप चारों के चारों एक साथ में देख सकते हैं अभी राइट। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है अभी यहां पर, ये जो सी एफ है ओके उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है कम, उससे ज्यादा किसकी है सी एल, उससे ज्यादा बी आर, उससे ज्यादा आई, बिकॉज वी नो दैट फ्लोरीन उसमें एक ऑर्बिटल ऐड होगी क्लोरीन के, और उसमें एक ऑर्बिटल ऐड होगा वो बनता है ब्रोमीन, एक और ऑर्बिटल ऐड होगा वो बनता है आयोडीन राइट। और कार्बन तो सेम टू सेम है, अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसा आएगा, सी एफ सी सी एल सी बी आर सी आई राइट। तो हम यहां से देखेंगे कि फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो कैसा होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया, ये आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, ये एमसीक्यू में आता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर, कोई डाउट। ये जो बॉन्ड लेंथ है डियर स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ को हम 10^-12 पिकोमीटर में हम लोग उसको नापते हैं। ओके ये बॉन्ड लेंथ है राइट। सो आगे हम देखते हैं, अगर ये बॉन्ड लेंथ है तो हम उसके एक स्टेप आगे जाते हैं अभी, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आगे हम देखते हैं बी डी ई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये क्या होती है एंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी राइट। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो जो बॉन्ड है राइट वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमको राइट, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि हम नीचे देख सकते हैं, अभी हमने क्या देखा कि जो सी एफ है उसको उसका जो बॉन्ड क्या है सबसे छोटा, उससे बड़ा सी एल का, उससे बड़ा बी आर का, उससे बड़ा सी आई का राइट। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जिसका बॉन्ड सबसे बड़ा है उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं राइट, और जो बॉन्ड सबसे छोटा है उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए
राइट, तो उसका जो है ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हो यहां पे सी आई सी बी आर सी सी एल सी एफ। ओके, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा सबसे कम एनर्जी चाहिए किसको, सी आई को, उससे ज्यादा बी आर को, उससे ज्यादा सी सी एल को क्लोरीन को, और सबसे उससे ज्यादा सी एफ को। क्या एक सिंपल एग्जांपल है, अगर ये पेन आप देख सकते हो ये लंबी है, अगर इसको ब्रेक करना है तो हम इजीली इसको बैंड कर सकते हैं राइट। अगर ये इसका ढक्कन है इसको हम बैंड करना है अभी, तो हमको क्या चाहिए, थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, ये सिंपल एग्जांपल है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर इससे भी कम होगा साइज में तो हमको क्या चाहिए, उससे भी ज्यादा एनर्जी ब्रेक करने के लिए चाहिए, वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये दोनों जो ऑर्डर है ये एग्जाम में आ सकते हैं राइट। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो भी बहुत इजी है। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बच्चे लोग आपको माइंड में आएगा कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ओके, उसका सिंबल क्या है राइट। तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाएंगे, और व्हाट इज क्यू, क्यू वी नो दैट क्यू इज अ चार्ज, और डी, डी फॉर डिस्टेंस राइट। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो जितना चार्ज बढ़ेगा, जितना चार्ज बढ़ेगा इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ओके, यहां पे हम देख सकते हैं सी बॉन्ड एक्स में जितना चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना उसका चार्ज भी क्या ऐसा होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। और डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में मैंने अभी आपको यहां पे बताया, और डिस्टेंस को यहां पे हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि डिस्टेंस हम कैसे में नापते हैं, 10^-12 पिकोमीटर, यानी कि क्या करते हैं कि ये इसका जो है 10^-12 0.00009 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद 137, अगर इसकी जो लेंथ है वो 137 है तो अगर हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 0.00009 टाइम उसके बाद 137, ताकि ये वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होती है राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं डिस्टेंस को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं राइट। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट राइट। यहाँ पे हमको टेक्स्ट बुक में ओनली वैल्यू दिया है और कुछ नहीं बताया है इसके बारे में, किसके, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा राइट। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, यहां पे आप देख सकते हैं जितना चार्ज, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा राइट। कभी मैं यहां पे लिखता हूं सी एफ सी सी एल सी बी आर, अब यहां से पूरा ध्यान देना है फोकस से। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, तो ये कैसा हो जाता है डियर स्टूडेंट, रॉन्ग। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऐसे, एक्चुअली आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि ऐसे ही ऑर्डर में आना चाहिए डाइपोल मोमेंट, बट यहां पे कैसा होता है, ये फॉर्मूला रॉन्ग होता है। व्हाई, अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सीएल, जो सीएल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा है, किसकी, क्लोरीन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमको मालूम है वो कौन सा ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन से कौन सा ज्यादा है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। ओके, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है, लो, किसका, क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है कौन से, फ्लोरीन से,
और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, कम है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। ओनली इस दोनों में ही चेंज आता है, ये जो बीआर और आयोडीन है उसकी पोजीशन पे सेम टू सेम रहते हैं। सिर्फ डिस्टेंस किस में है, चेंज किस में आता है, सिर्फ सीएफ और सीसीएल। तो व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो उसमें हम लिख सकते हैं सीसीएल सीएफ सीबीआर सीआई, राइट। तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट क्या होता है, सीसीएल, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, कम। तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये क्या है एक्सपेरिमेंटली, ये हमको पता चला है, राइट। थियोरिटिकल देखेंगे तो ये राइट होता है, एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो ये वाला राइट होता है। तो एग्जाम हमको अगर आए क्वेश्चन तो यही ऑर्डर हमको लिखना है डाइपोल मोमेंट के बारे में, ओके, सीसीएल उसके बाद सीएफ उसके बाद सीबीआर और उसके बाद सीआई, राइट। ये हुआ हमारा सी कार्बन के साथ इसका बॉन्ड। अगर हम उसको हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर हम उसका हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे बॉन्ड, तो एचएफ एचसीएल एचबीआर एचआई, ओके। तो हमको मालूम है फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, हाईली होगा, राइट। तो जो एच के साथ अगर इसका बॉन्डिंग है तो ऑर्डर ऐसा ही आएगा, वहां पे कोई फ्लिप नहीं होता है, राइट। ये होगा हाइड्रोजन के साथ, यहां पे हमने चार ऑर्डर दिखाए हैं और दिस इज द फाइनल डाइपोल के साथ, ओके। तो हम लोग फिर से सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, ओके, कहीं जाना मत। आप देख सकते हो आज हमने देखा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, दैट इज सी फोर कार्बन एक्स टेंड्स टू हेलोजन, ओके। एक्स क्या है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है, वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से क्या होती है, कम, और हेलोजन की ज्यादा। तो डियर स्टूडेंट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या होता है, ये बॉन्ड कैसा बनता है, पोलर, और पोलर बनने से क्या होता है, वो डाइपोल हो जाता है, ताकि प्लस और माइनस, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो वहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बहुत इजी है, हमको मालूम है फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है, और कार्बन का तो सेम ही रहेगा, तो पहले देखेंगे सीएफ, उसके बाद वन ऑर्बिट एड हो गया, तो कार्बन का भी क्या होगा, बड़ा साइज होगा फ्लोरीन से, उससे बड़ा होगा ब्रोमीन का, उससे बड़ा होगा आयोडीन का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर, तो ऐसे होगा सीएफ लेस देन सीसीएल लेस देन सीबीआर लेस देन सीआई, और वेरी नेक्स्ट वी कैन सी हियर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, हम सबको मालूम है कि जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा लेंथ होगा, उसको ब्रेक करने के लिए, एग्जाम्पल भी देखा था पेन है, ब्रेक करने के लिए इजिली कम एनर्जी चाहिए, ढक्कन है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ से, ओके, सी आई बी आर सी एल एफ। नाउ वी कैन से डाइपोल मोमेंट, उसको म्यू से डिराइव करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू फोर चार्ज और डी फोर डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम जो डाइपोल मोमेंट है, ओके, वो फ्लोरीन की ज्यादा है, बट हम ये नहीं लिख सकते कि सी एफ सी सी एल सी बी आर सी आई, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में आता ही है, ये यहाँ पे आगे 3 बार पूछा गया है एग्जाम में, ये एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। तो एक्सेप्शनल क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो हमने अभी आगे बताया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, कम है फ्लोरीन से, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, सिर्फ इसी में ही, हाइड्रोजन के साथ नहीं, सिर्फ कार्बन के साथ ही। सो पहले क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, सीसीएल सीएफ सीबीआर और सीआई। अगर जो हाइड्रोजन के साथ हम देखते हैं
डाइपोल मोमेंट राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो एफ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, तो एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसकी नोट्स बनाना है। सो खूब खूब धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।